आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्त्रियों का कार्य क्षेत्र एकीकरण का जनपद स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण का जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा की अध्यक्षता में हुआ शुभारंभ। योजनाओं के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण। बूथ सशक्तिकरण अभियान का महानगर में क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जदानंद राय ने बैठक करके किया शुभारंभ। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए मेरा बूथ सबसे मजबूत चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। लंपी स्किन बीमारी पर की गई चर्चा। वैक्सीनेशन चलाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विद्या भारती अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक का 22 सितंबर से होगा शुभारंभ। 22,000 विद्यालयों के पदाधिकारी लेंगे भाग। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के महामंत्री अवनीश भटनागर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह मीडिया से हुए रूबरू होते हुए कहा कि पशुओं में लंबी स्किन बीमारी को देखते हुए प्रदेश में सभी मेले बाजार पर लगा दिया गया है प्रतिबंध। 1,80,000 पशुओं का प्रतिदिन किया जा रहा है वैक्सीनेशन। गोरखपुर के मौसम का हाल। सूरज की तपिश ने गर्मी से किया बेहाल। कल हल्की फुल्की बारिश के हैं आसार। माँ भवानी सेवा समिति के तत्वावधान में मंगलवार को स्वास्थ्य शिविर, विधिक जागरूकता शिविर सहित पौधारोपण कार्यक्रम का चार पानी गांव में किया गया आयोजन। अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने ग्राम वासियों को विधि के प्रति किया जागरूक। गोरखपुर दौरे पर पहुंची यूनिसेफ की 8 सदस्यीय टीम ने कमिश्नर अनिल ढींगरा से की औपचारिक मुलाकात। कैंपियनगंज के शिवलहिया में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के संबंध में ली जानकारी। अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार द्वारा मंडलायुक्त अनिल ढींगरा के साथ यातायात संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया निरीक्षण। स्वर संबंधित से वार्ता करते हुए वास्तविक स्थिति की गई समीक्षा। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी त्योहारों को लेकर गोरखपुर पुलिस अलर्ट। शहर के कैंट थाना में पैदल गश्त कर सुरक्षा का लिया जायजा। लोगों को दिया सुरक्षा का एहसास। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज। अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्तियों का कार्य क्षेत्र एकीकरण का जनपद स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों का कार्य शासन के द्वारा चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यही लोग घर घर जाकर नागरिकों सरकार की योजनाओं के बारे में बताती है, जिसको देखते हुए ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में जो अभियान शुरू होना है उसका व्यापक रूप से प्रचार हो सके। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा, PD अनिल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम आपको स्वागत करते हैं, आभारी व्यक्त करते हैं, साथ ही शुभकामना देते हैं कि जो है आप लोग जो है इस टीम में जो है पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी और आशाओं के बिना संभव नहीं है। मेरे ख्याल से हर जितने प्रोग्राम होते हैं हर में हम आपस में काम करते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो रहा है, इसमें ट्रेनिंग हो रही है कि दोनों ग्रुप आपस में मिलकर के कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा। सारे लोगों का एक बार सभी लोगों से एक परिचय हो जाएगा और फिर हम आगे अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको समय से सारी चीज़ें प्रोसेस जो भी है वो सारा बता सकें। तो सभी का पहले तो मैं स्वागत करती हूँ और ये आंगनबाड़ी आशा की कार्यक्षेत्र एकीकरण की जो हम जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कर रहे हैं, इसमें हम लोग पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो परिचय में सिर्फ हम अपना नाम और अपने जनपद और पद को बताएंगे। मैं अपने से ही शुरू करती हूँ। मेरा नाम अर्चना शुक्ला है और मैं लखनऊ में स्टेट ऑफिस में UPTSU में एज अ टीम लीडर काम कर रही हूँ।
माँ भवानी सेवा समिति के तत्वावधान में स्वास्थ्य शिविर, विधिक जागरूकता शिविर सहित पौधारोपण कार्यक्रम का चार पानी ग्राम में आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल का माँ भवानी सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश निषाद ने स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बुजुर्गों को विधि के प्रति जागरूक करने के लिए निर्देश दिया गया, जिनको देखते हुए ग्राम सभा चारपानी में विधिक कैंप लगाया गया था और यहां के महिलाओं और बुजुर्गों को विधि के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां पर सर्वाइकल कैंसर व वायरल के संबंध में निशुल्क दवा वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, वो राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करवा सकते हैं, जो कि दीवानी न्यायालय में समय समय पर आयोजित होता रहता है, और जिनके घर में कोई व्यक्ति गलती से किसी अपराध में जेल गया है, उनके पास अधिवक्ता रखने के लिए पैसे नहीं है, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आकर एक एप्लीकेशन देकर निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। उसे अधिवक्ता का सारा खर्च जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वहन करेगी। इस अवसर पर एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि दिनेश निषाद ने चारपानी गाँव को गोद लिया है। उनका उद्देश्य है कि गाँव का समुचित विकास हो, लेकिन ये कार्य आप गांव वासियों के सहयोग से ही हो पाएगा, इसलिए सभी ग्रामवासी उनका सहयोग करें, क्योंकि दिनेश निषाद गरीब परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का भी कार्य कर रहे हैं। वो गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवा रहे हैं, ये निश्चित ही गांव से जुड़ने का प्यार है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को ये कार्य करना चाहिए, जो लोग सफल हो गए हैं। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष बेलीपार पुरुषोत्तम आनंद सिंह, समाज सेवी बहादुर निषाद, अभिषेक निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए पर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने कहा, लेकिन उस विवाद को सदा प्रयास ही करते थे कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो जाए, मुकदमेबाजी से बचा जाए, मुकदमे में समय धन दोनों में साफ होगा। तो आप लोग भी यहां भी किसी को पर्याप्त आनंद है को अधिवक्ता रख सके, हमारे संज्ञान में ला लें, हम उसको निःशुल्क अधिवक्ता देंगे, कोई फीस नहीं लगेगी। छोटा मोटा जो भी मामला हो उसको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करने के लिए हमारे पास प्रार्थना पत्र है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहती है। महिलाओं के संबंध में अक्सर करके हम लोग पेपर भी पढ़ा करते हैं, देखते भी हैं, होता भी है, दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है, मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनके साथ क्रूरता किया जाता है। इस सब के संबंध में कानून बना हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम व हस्बैंड के प्रति मेंटेनेंस खर्चे का मुकदमा कर सकती है, उनके साथ अगर दहेज के लिए और प्रताड़ना किया जाता है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है, को मुकदमा दाखिल करके खर्चे का ले सकती हैं, उनके खिलाफ उनको दंड भी दिला सकती हैं, जेल का भी विजिट करते हैं। जेल में भी ऐसे भी लोग मिलते हैं, ऐसे बंदी हैं जिनके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है कोई अधिवक्ता रख सकें, उनके लिए भी हमारे गोरखपुर में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल काम कर रहा है। अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है कि ऐसा कोई बंदी है जिसके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं कि प्राइवेट अधिवक्ता को रख सके, फीस दे सके, हम उसको निःशुल्क अधिवक्ता देते हैं, कोई फीस नहीं लगती है, तो पूरी प्रक्रिया को पूरा विचार निःशुल्क करते हैं। इसके अतिरिक्त जिले विधिक सेवा प्राधिकरण में प्री लिटिगेशन का मामला है, प्री लिटिगेशन मतलब मुकदमा दाखिल करने के पहले ही कुछ मामला ऐसा होता है सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर देते हैं कि बेटा अपने पद और प्रतिष्ठा के घमंड में धोती में लिपटे अपने बाप को बाप कहने में भी परहेज करता, लेकिन यह समझ लीजिए कि वो उसी दिन मर गया
जिस दिन उसने अपने उस मैली कुचैली धोबी धोती कुर्ते में लिपटे अपने बाप को बाप सार्वजनिक रूप से कहने से संकोच किया, उसी दिन वो मर गए। करने वालों की तस्वीर कैद कर सकता है, जब कोई घटना होगी हमें जरूरत होगी तो उन्हीं कैमरों की मदद हम भी लेंगे। और आपको विश्वास दिलाए, पिछले 6 महीने बड़ी बड़ी सारी वारदातें जो बिल्कुल ब्लाइंड थी, कोई स्रोत नहीं था, कोई सूत्र नहीं था, कोई सुराग नहीं था, वो कैमरे से हुई। अभी आपके पास गांव में एक लूट हुई थी गोली मार करके, और आप सोचिए कौड़ी राम गोला रोड पर वो घटना होती है अंदर गांव में जाकर। लेकिन सिर्फ वहां खेतों में काम करने वालों ने कहा था घटना करने वाले लौट के फिर कौड़ी राम गोला रोड पर ही गए, तो हमें तय हो गया कि किधर गए। अब यहां अगर दाएं गए कि बाएं गए, ये हमने कैमरे से शुरू किया, और उस कैमरे से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ते जानीपुर गए, जानीपुर से फिर ये पता चला कि नहीं साहब ये तो चीनी मिल की ओर हुए। उसी दिन धराशाई हो जाती। दिनेश जी एक दिन मेरे दफ्तर गए थे, और आज 2 दिन में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली, मुंबई में कारोबार करते हैं लेकिन इसी मिट्टी पर अपने बचपन में इन्होंने खेला है, गांव के बड़े बुजुर्गों माताओं दादियों के साथ काली जी की पूजा में शामिल हुए हैं। और जब परमात्मा ने सामर्थ्य दिया तो इस मिट्टी को सजाने संवारने में, गांव के लोगों की भलाई में इनका मन लगता है, और उसी का परिणाम ये इतना बड़ा निर्माण और ये आयोजन। प्रायः लोग जब पद और प्रतिष्ठा पा जाते हैं, वैभव पा जाते हैं, तो अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं। जगतधात्री मां काली, देवादिदेव महादेव भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के इस भव्य मंदिर में इस सबके रचनाकार सूत्रधार विश्वकर्मा भाई दिनेश जी, बहादुर जी संचालक महोदय, अन्य साथियों देवियों सज्जनों, सबसे अच्छी बात यह होती है कि वृक्ष चाहे कितना ऊंचा हो जाए वो अपनी जड़ों को कभी न छोड़े, अपनी जमीन को कभी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग, और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। भाजपा महानगर बेनीगंज कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण अभियान का क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जदानंद राय ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जदानंद राय ने कहा कि बूथ सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ 2022 में विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ था, जिस पर हम लोगों ने अच्छा कार्य किया था और प्रदेश में दोबारा सरकार बनी थी। अब उसके दूसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है, इसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उनका हालचाल लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बूथ
सबसे मजबूत बूथ जीता तो चुनाव जीता। आज हर क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस अवसर पर अच्युतानंद शाही, देवेश श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शंकर पांडे, इंद्रमणि उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, शशिकांत सिंह, ब्रजेश मणि मिश्र, रणविजय शाही, अजय श्रीवास्तव, रितेश सिंह, राजीव रंजन अग्रवाल, वरुण चौरसिया, अनूप किशोर अग्रवाल, जितेंद्र चौधरी, गौरव तिवारी, समरेंदु सिंह, शिवम, रमेश प्रताप गुप्ता, पद्मा, दयानंद शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महानगर के महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री देवेश श्रीवास्तव जी, श्री इंद्रमणि उपाध्याय जी एवं गोरखपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस अभियान बूथ सशक्तिकरण अभियान की दृष्टि से जो गोरखपुर का क्षेत्र का काम देख रहे हैं, आदरणीय श्री सिद्धार्थ शंकर पांडे जी का भी मैं आज की इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यशाला का संचालन महानगर के महामंत्री और बूथ सशक्तिकरण अभियान के महानगर के संयोजक श्री अच्युतानंद शाही जी एवं यहां पर उपस्थित सभी महानगर के पदाधिकारीगण, सभी मंडल के अध्यक्षगण, मंडल के प्रभारीगण एवं सोशल मीडिया और आईटी के महानगर के संयोजकगण एवं इसके अलावा जो हमारे 5 प्रवासी लगाए गए हैं बूथ सशक्तिकरण अभियान में, 10 मंडल में एक एक प्रवासी को 2-2 मंडल दिया गया है, ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण आप सभी का आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। निश्चित ही हम सबका सौभाग्य है कि आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सदानंद राय जी का भी हम सभी को मार्गदर्शन इस अभियान की दृष्टि से मिलेगा। निश्चित ही सभी कार्यकर्ता इस उनके बताए रास्ते पर हम सभी चलकर इस अभियान को पूर्ण करेंगे। वैसे तो बूथ सशक्तिकरण अभियान का यह दूसरा फेज है, जो बूथ सशक्तिकरण अभियान का प्रथम फेज चला था उस समय आप सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर महानगर क्रमांक 1 पर रहा बूथ सशक्तिकरण अभियान में। सबसे पहले आप सभी ने पूरी बूथ समिति, पूरे 15 प्रमुख की सूची आप सभी के माध्यम से हम सभी ने प्रदेश कार्यालय पर जमा किया। महानगर गोरखपुर के जमा करने के लगभग 15 दिनों के बाद अन्य किसी जिलों का जमा होना शुरू हुआ था। निश्चित ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। पूरी संगठन की संरचना हमारी इसी बूथ सशक्तिकरण अभियान पे है और आगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हमारा यह बूथ सशक्तिकरण अभियान बहुत ही सशक्त अभियान है। हमको इसको नीचे ले जाकर जो पार्टी की मंशा है, अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा, हमको किस प्रकार से जो हमारे मंडल प्रवासी है, एक एक प्रवासी को 2-2 मंडल दिया गया है, वो 2-2 मंडलों में किसी एक दिन एक मंडल में, दूसरे दिन एक मंडल में जाएंगे, जाके वो 3-4 प्रकार की बैठकें करेंगे, उसमें मंडल के पदाधिकारी की अलग बैठक होगी, शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी की अलग बैठक होगी, बूथ अध्यक्ष की अलग बैठक होगी,
उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं या काम करने में असमर्थ है उनके नाम की जगह दूसरा नाम भरेंगे। मंडल अध्यक्ष की सहमति से एक बार बातचीत करके इस प्रकार ये पूरा अभियान हम सभी को चलाना है। अभी विस्तार पूर्वक हम सबके नेता लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सदानंद राय जी विस्तार पूर्वक हम सभी के बीच में हम सभी को क्या क्या करना है और रखेंगे अपनी बात। और निश्चित ही इस अभियान में भी जो पूर्ण सशक्तिकरण अभियान का ये दूसरा फेज है, तीसरा फेज नवंबर माह में प्रारंभ होगा, दूसरा फेज भी गोरखपुर महानगर के सभी तपस्वी यशस्वी कार्यकर्ताओं की बदौलत। हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी की जो मंशा नीचे मेरा बूथ अध्यक्ष 100% एक्टिव हो, मेरा मंडल पदाधिकारी 100% एक्टिव हो, महानगर जिला तो एक्टिव हो गया लेकिन मंडल में अभियान चलाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, तो जो मंडल पदाधिकारी हो वो सेल्फ स्टार्ट हो सके, यदि उसको कोई अभियान दिया जाए तो नीचे शक्ति केंद्र की मॉनिटरिंग करके पूरा व्यवस्थित अभियान चला पावे, इसलिए एक बार उसको भी रिवाइज करना है। महामंत्री आदरणीय अच्युतानंद साही जी, आज की इस कार्यशाला में उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे इस गोरखपुर महानगर के सभी सम्मानित दसों मंडल अध्यक्ष और आज की इस कार्यशाला में हमारे गोरखपुर महानगर के सभी मंडलों में प्रवासी के रूप में हमारे महानगर के पदाधिकारी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ सशक्तिकरण के प्रथम फेज में आप सब लोगों ने देखा होगा कि प्रथम फेज में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक पैमाने पर लोकसभा स्तर पर बूथ सशक्तिकरण का काम प्रारंभ किया है और पिछले 2 माह पहले हमारे इस बूथ सशक्तिकरण के लिए हमारे अलग अलग प्रांतों के यहाँ पर हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, ऐसे उनके साथ सांसद, उत्तराखंड के बांसगांव की लोकसभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और व्यापक पैमाने पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता ये बूथ सशक्तिकरण अभियान के प्रथम फेज में व्यापक पैमाने में हम लोगों ने काम किया। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस महानगर के भी तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बूथ स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए प्रतिदिन उनको 3 नाम आते हैं, उन 3 नाम हमारे बूथ अध्यक्षों के हैं, उन 3 नामों पर आप मोबाइल से वेरिफिकेशन के लिए उस बूथ अध्यक्ष की हालचाल, उनके घर परिवार, काम आप स्वाभाविक दृष्टि से आप बातचीत करते हैं। अब उसको लगता है कि लखनऊ या दिल्ली से फोन आता है तो आप अपग्रेड भी करते हैं। इस द्वितीय फेज में भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बूथ सशक्तिकरण का काम प्रारंभ किया है, आप सब जानते हैं कि आगामी दिनों 2024 के आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से केवल भारत में ही दुनिया इस बात का लोहा मानने को तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण अभियान या बूथ स्तर का डाटा, जिसके आधार पर केवल भारत के राजनीतिक दल नहीं दुनिया के तमाम ऐसे राजनीतिक दल उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने एनेक्सी भवन के सभागार में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनपद में तेजी के साथ लंपिक स्किन बीमारी पर रोक लगाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए और जो जिन पशुओं की मौत हो गई है इस बीमारी से, इस पर ये देखा जाए कि आगे इस बीमारी से किसी पशु की मौत ना हो पाए, संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी पशुपालकों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए जिससे इसको फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पशुओं की देखभाल के लिए सरकार कटिबद्ध है, इसलिए जो पशु सड़कों पर घूम रहे हैं उनको कान्हा उपवन पहुँचाया जाए। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 100% पॉपुलेशन वैक्सीन ठीक है, अब इतनी संख्या में है लेकिन क्या आपको करना है, आप बताओ क्या करना है। करता ही रहता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि सर के कारण आज विभिन्न विभागों के लोग हुए हैं। तो पहला ये जागरूकता अभियान लंबी इसकी निजी का चल जाए, अगर हम जागरूक हो गए तो इसका ये जागरूकता अभियान आपकी तरफ से चला जाए कि डॉक्टर दर्द की दवा लिखे पैरासिटामोल के अलावा सिर्फ वही। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के महामंत्री अवनीश भटनागर ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक सरस्वती मंदिर पक्की बाग में 22 से 24 सितंबर तक की जाएगी, जो साल में हर साल की जाती है। पूरे देश में विद्या भारती का काम 22,000 विद्यालयों के माध्यम से चल रहा है, जिसके सभी पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। पिछले वर्ष में जो कार्य हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी, जिसका उद्घाटन सुबह 9 बजे और समापन 24 तारीख को शाम 4 बजे होगा। उन्होंने कहा कि देश बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर सरकारी विद्यालय नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए वहां के लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भी बात होगी। इसमें जम्मू कश्मीर घाटी असम सहित अन्य क्षेत्र हैं जहां पर अभी शिक्षा नहीं पहुंची है, वहां के लोग भी समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी शिक्षित होना होगा। इसके साथ ही देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करवाना होगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के महामंत्री अवनीश भटनागर ने कहा, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, वर्ष में 2 बार हम लोग मिलते हैं। देश भर में विद्या भारती का काम जो लगभग 22,000 औपचारिक अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से चल रहा है, पूरा देश ऐसा 11 क्षेत्रों में जोन्स में और 41 प्रांतों में बटा हुआ है। तो सभी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वर्ष में ऐसा 2 बार अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं, पिछले वर्ष में जो कार्य हुआ उसकी समीक्षा करते हैं और आगे वर्ष की योजना बनाते हैं। उसी के संबंध में कल प्रातःकाल उद्घाटन होगा 9 बजे और 24 तारीख की सायंकाल 4:30 बजे हमारा ये बैठक पूरी होगी। इस बीच में हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। मुख्य रूप से जो विषय आने वाले हैं उसमें हमारे सामने 2 बड़े प्रमुख मुद्दे हैं विचार करने के। जैसा मैंने अभी कहा है कि देश का ऐसा एक बड़ा भाग है जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं। शिक्षा क्षेत्र में केवल विद्या भारती नहीं गई है, बल्कि सरकारी विद्यालय नहीं हैं, डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर का घाटी का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, ऊपर का समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, ऐसे स्थानों पर शिक्षा नहीं पहुंची, विद्यालय नहीं, वहाँ पर हमको कैसे पहुँचना। वहाँ के लोग भी समाज के लोग हैं, उनके उन लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और इसलिए वहाँ पर भी हम कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा विषय हमारे सामने एक प्रमुख चुनौती भी कह सकते हैं, हमारे सामने एक प्रमुख काम है, वह है देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो घोषित हुई है उसका क्रियान्वयन। क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र के संगठन हैं तो स्वाभाविक है शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए परिवर्तनों को हमारे विद्यालयों में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए हमारे आचार्यों का, शिक्षकों को हम आचार्य कहते हैं, हमारे आचार्यों का प्रशिक्षण, उनकी ये व्यवस्था करना कि वे इन सब के आने वाले परिवर्तनों से विज्ञ हो जाएं, उनको जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लें, स्वीकार कर लें और फिर अपने कक्षा कक्ष में उसका क्रियान्वयन करें। तो ऐसे 2 विषयों पर, बाकी हमारे कुछ रूटीन विषय रहते हैं, हमारे विद्यालयों के विकास, व्यवस्थाएं, अन्य प्रकार के, वो रूटीन विषय चलने वाले हैं, परंतु ये प्रमुख रूप से 2 बातें हैं जिन पर हम लोग
तीन दिन में चर्चा और चिंतन करने लगे। सामान्यतः ये बैठकें हमारी आंतरिक बैठक है, इसमें बहुत बाहर से आमंत्रित करने की योजना नहीं रहती, हमारे ही अखिल भारतीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी रहते हैं। सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विविध अन्य संगठन भी जो काम करते हैं, कई बार विचार विमर्श के लिए हम उनको भी अपने साथ बुलाते हैं। बाकी ऐसा अलग से कोई मंत्री या किसी विशेष अधिकारी को बुलाकर ऐसी हमारी योजना इस बार नहीं। मेरा नाम अवनीश भटनागर है, मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का महामंत्री, ऐसा मेरा दायित्व है, दिल्ली में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अनेक्सी भवन के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पशुओं में लंपी स्किन बीमारी को देखते हुए प्रदेश में सभी मेले बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी तक इस बीमारी से पूरे प्रदेश में 20 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है, जिससे बचाव के लिए सभी पशुओं को वैक्सीन दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि गाय विश्व की माता है, उत्तर प्रदेश भारत में दूध में नंबर वन है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पशुपालक 200 गाय पालता है तो 2 करोड़ का अनुदान मिलता है, क्योंकि गाय का दूध अमृत के समान होता है। प्रदेश के सभी गायों के जो सड़कों पर घूमते हैं उनको आश्रय स्थल में रखा जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है, उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंपी प्रभावित जनपदों में टीकाकरण की 1083 टीमें कार्य कर रही हैं, जिनके द्वारा प्रतिदिन 1,80,000 टीकाकरण प्रतिदिन किया जा रहा है। अभी आगे भी टीकाकरण की गति बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, अब इसकी जो देसी गाय हमारी होगी वो 2 लीटर 3 लीटर दूध देती है, इससे जो बछिया पैदा होगी वो बछिया 10 और 12 लीटर दूध देगी। तो हम देसी गाय की में नस्ल की सुधार भी कर रहे हैं और दूध की उत्पादनता की क्षमता बढ़ा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कनाडा आज से 50 साल पहले उत्तर प्रदेश से देसी गाय मांगी गई है। मुर्रा भैंस का सीमन भी हम किसान को फ्री दे रहे हैं, मुर्रा भैंस भी 20 लीटर दूध देती है एक दिन में, यदि ठीक से उसको फीडिंग हो जाए तो इससे गरीब परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। गोरखपुर में और गोरखपुर के कुछ पूर्वांचल के जिलों में लंपी स्किन डिजीज जो संक्रामक महामारी पशुओं में फैली है, अब ये आगे और पशुओं को प्रभावित ना करें, पशुओं की मृत्यु ना हो, हमने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है और इस रोग के उपचार और उसकी पहचान भी गाय पर फफोले पड़ जाते हैं, तो हर पशुशाला में शाम को नीम की पत्तियों का धुआं देना, वैक्सीन लगवा लेना, तो यहाँ पूरी तरीके से इस पर फोकस किया है। मंत्री जी, अभी 3 लगवाए जा रहे हैं जी, कितने टीकों की व्यवस्था है? देखिए, गोरखपुर में अभी पर्याप्त मात्रा में, अभी संख्या बता देता हूँ मेरे पास, उस आपके प्रेस नोट पे है, अभी मैं काम कितनी दिए गोरखपुर नहीं नहीं संख्या कितनी गोरखपुर में करीब 20,000 से ऊपर संख्या है, अभी दिया है 20,000 से ऊपर दिया है। क्या यहाँ पे जो काना फोन है सड़कों पर भी गायों की मौत की सूचना आपको मिल रही है, क्या भूसे की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी है? देखिए, आज CDO को बिठा कर यहाँ पर चर्चा भी की थी, हमने भूसा बैंक बनाए, भूसा बैंक में हर गौशाला में वो भूसे की सप्लाई करेंगे और किसी भी गौशाला में भूसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, तो हरा चारे के भी प्रबंध और साथ में कुछ रातिब भी देने की व्यवस्था है, उस पर पूरी कड़ाई से काम किया जा रहा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। ये 20,000 नहीं 20 लाख के करीब दिया है टीका। मृत्यु का कोई आंकड़ा आपके पास है कान्हा उपवन से जुड़े हुए? अभी यहाँ एक पशु की मृत्यु का बताया गया है और बाकी नहीं। आप हरिहरपुर एक केंद्र है खजनी में, वहाँ का अगर दौरा कर लें तो कुछ चीज़ें बहुत साफ हो जाएंगी। अभी जनपद और गोरखपुर के सारे BOs को बुलाया था, ब्लॉक प्रमुख को भी बुलाया, माननीय
जनप्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया है, आपने बताया, मैं इसको चेक करा लेता हूँ। मंत्री जी, नंदनी योजना क्या लेकर क्या रहे हैं आप? नंदनी किसान समृद्धि योजना है, इसमें यदि कोई पशुपालक दो गाय पालता है तो उसको हम एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं, दो गाय पर 80,000 का हो गया। और ये बड़ी स्कीम भी है नंदनी योजना में, यदि कोई पशुपालक 25 गायें भी लेता है और 62 लाख की स्कीम है, इसमें 50% का अनुदान देने का काम कर रहे हैं। इसमें गोरखपुर भी आच्छादित है? हाँ, गोरखपुर है। इसमें लंबी वायरस को लेकर फिर से एक तरह से लॉकडाउन हुए हैं। देखिए, लंबी वायरस गत वर्ष पश्चिम से आया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इस वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो एक हमने इम्यूनिटी बेल्ट बना रखी है जो नेपाल बॉर्डर से लेकर अपने मध्य प्रदेश राजस्थान तक है, 10 किलोमीटर चौड़ी और 320 किलोमीटर लंबी। इसमें अब इस बार हमारा प्रयास है पूरब से ये रोग पश्चिम तक ना जा पावे, इसलिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बार पूरब से पश्चिम की ओर कोई पशु नहीं जाएगा और पूरी तरीके से यहाँ इम्यूनिटी बेल्ट बनाकर लॉकडाउन, हाट, मेला, बाजार, इनमें प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 31 अक्टूबर। गोरखपुर दौरे पर पहुंची यूनिसेफ की 8 सदस्यीय टीम ने बुधवार को ITMS का जायजा लिया। टीम के सदस्यों ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ITMS की ओर से आपदा नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी ली। आपको बता दें कि यूनिसेफ भारत इकाई की चीफ फील्ड सर्विसेज जल्पा रत्ना और चीफ फील्ड ऑफिस डॉक्टर जकारी एडम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बुधवार को गोरखपुर पहुंची। टीम ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस दौरान टीम ने कमिश्नर अनिल ढिंगना से औपचारिक मुलाकात की। टीम ने कैंपियरगंज के शिवलहिया में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के संबंध में जानकारी ली। टीम ने कई अन्य जगहों का भ्रमण किया। इस संबंध में गोरखपुर की संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर का एक डायरेक्ट पार्टनरशिप है और यूनिसेफ के साथ मिलकर के हम लोग आपदा न्यूनीकरण संबंधी कार्यों को जनपद में क्रियान्वित कर रहे हैं। इसी के क्रम में कल यूनिसेफ की टीम यहाँ गोरखपुर भ्रमण पे थी। सर्वप्रथम तो यूनिसेफ द्वारा अन्य जो संचालित परियोजनाएं हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वो कर रहे हैं, उसके संबंध में उन्होंने कैंपियरगंज क्षेत्र का निरीक्षण किया था, वहाँ पर गए थे, कुछ गाँव का भ्रमण किया था। फिर उसके बाद ITMS में आए, जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो डेवलप है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। वहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे अति सराहनीय है और वहाँ से जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है और जिस तरीके से वहाँ पे हर इश्यूज़ पे जो काम किए जा रहे हैं उन सब पे उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया और काफ़ी उसकी सराहना की। और साथ ही अब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से भी अब हम लोग इस तरीके का प्रयास करेंगे कि ITMS को हम लोग भी कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स प्रदान करें जिससे कि उनके द्वारा जो भी बेहतर कार्य हो रहे हैं या जो भी हम लोगों का अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको हम लोग उनके साथ कैसे और बेटर रूप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इन सब पे भी कार्रवाई करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ है और हो सकता है आगामी दिनों में हम लोग इस पर एक बेहतर रूप से कार्य कर सकें यूनिसेफ के साथ। फिर यूनिसेफ की टीम ने आयुक्त महोदय से भी मुलाकात की, सर से भी उन्होंने क्षेत्र के विषय में जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने शेयर किया, आपदा प्रबंधन के भी संबंध में सर से वार्ता हुई। तो आगामी दिनों में स्कूल सेफ्टी को लेकर के और जो अनदर जो डिजास्टर्स हैं उन डिजास्टर्स में भी यूनिसेफ के साथ हम लोग टेक्निकली रूप से कार्य करेंगे जिससे कि और बेहतर आउटपुट हम लोग कम्युनिटी को। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290।
कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। गोरखपुर में तिखी धूप के कारण गुरुवार सुबह से लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। पूरे दिन लोग पसीने से तरबतर होते रहे। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, शुक्रवार को हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश नहीं होने से पिछले कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान है। चिपचिपाहट वाली गर्मी से लोग पसीने से तरबतर होते रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए आईएमडी द्वारा जो अभी करंटली हम लोगों को आज जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसमें आज तो गोरखपुर को ग्रीन जोन में आईएमडी द्वारा रखा गया है, लेकिन आगामी दो दिनों में गोरखपुर के क्षेत्र को उन्होंने येलो जोन में दिया हुआ है, जिससे ये अनुमानित किया जा सकता है कि अगले एक दो दिनों में चुटपुट वर्षा होगी और कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। तो इस तरह का पूरा अनुमान आईएमडी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अब मौसम को लेकर उन्होंने कुछ सूचनाएं भी आदान प्रदान किया कि अगर बारिश हो रहा है तो ऐसे दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए बरसात के दिनों में प्राय इस तरह देखा जाए तो एक बहुत अच्छी केस स्टडी ये रही कि गोरखपुर में अभी पिछले संडे को एक व्यापक रूप में वज्रपात की घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन मीडिया के सहयोग से, ITMS के सहयोग से और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके सहयोग से एक अर्थी वार्निंग जनरेट किया गया था। गोरखपुर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये एक इस बात का मैसेज है कि लोगों तक की सूचनाएं पहुंच रही हैं और लोग उस पे सीरियसली वर्क कर रहे हैं। तो ये एक समुदाय में एक पॉजिटिव मैसेज है कि लोग सतर्क रह रहे हैं वज्रपात के से और सर्पदंश जैसी घटनाओं से। तो इसमें भी अगर कोई इस तरह की सूचनाएं रहती हैं तो उसमें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि जब कभी भी वज्रपात की घटना हो रही हो तो कोशिश करें कि आप किसी पक्के मकान में शरण लेने, यदि आप अगर फोर व्हीलर से मूव कर रहे हो तो आप अपने कार के शीशे बंद करके किसी एक सुरक्षित जगह पे अपनी कार को खड़ा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। एकल पेड़ के नीचे कतई ना खड़े ना हो, बिजली के खंभों इत्यादि के पास खड़े ना हो, क्योंकि ये लाइटनिंग का कंडक्टर होते हैं, एक तरीके से लाइटनिंग को कंडक्ट कर लेते हैं और घटनाएँ घटित होने की संभावनाएँ रहती हैं। तो इसलिए अपने आप को वज्रपात में अब इस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। गोरखपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास के क्रम में बृहस्पतिवार को अपर पुलिस महानिरीक्षक अखिल कुमार द्वारा मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा, पुलिस महानिरीक्षक जे रविंद्र गौड़, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित RTO के साथ गोरखपुर में यातायात संचालन की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर जाकर सर संबंधित से वार्ता करते हुए वास्तविक स्थिति की समीक्षा की गई और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न उपायों और विकल्पों पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कुल सचिव आवास के पास स्थित भूमि पर चलाए जा रहे स्टैंड का निरीक्षण किया गया। वहाँ मौजूद बस संचालकों से बातचीत कर बसों के रूट एवं परिचालन व्यवस्था की जानकारी ली गई। साथ ही सड़क के किनारे फुटपाथ पर अवैध तरीके से लगाए जा रहे ठेलों खोमचों को हटाने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके पश्चात रेलवे रोडवेज स्थित बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि परिसर के अंदर बहुत ज़्यादा जमीन उपलब्ध है, लेकिन इस जमीन का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है और बसें बाहर खड़ी की जा रही हैं। पाया गया है कि परिसर की जमीन समतल नहीं है, साथ ही पुराने अनुपयुक्त जर्जर निर्माण भी पाए गए। मौके पर ARM को बुलाकर निर्देशित किया गया कि अनुपयुक्त निर्माण को हटाकर इस जमीन को तत्काल समतल कराकर सभी बसें अंदर खड़ी करें। किसी भी स्थिति में कोई बस सड़क पर खड़ी दिखाई ना दे, इसके लिए ARM को एक सप्ताह का समय मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा द्वारा दिया गया। इस स्थान पर नागरिकों के उपयोग के लिए सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया गया। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कैंट मानुष पारिक के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स की प्लाटून और कैंट थाने की पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गोलघर चौराहे से लगाए शहर के प्रमुख भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। गश्त के दौरान आम नागरिकों और व्यापारियों से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस दौरान कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक रणधीर मिश्रा और जटेपुर चौकी इंचार्ज अजीत कुमार चतुर्वेदी सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कैंट ने कहा, थाना कैंट के अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स की प्लेटून के साथ और थाने की फोर्स के साथ में गोलघर और आसपास के क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया और आम जनमानस से भी बातचीत की गई, व्यापारियों से बातचीत की गई कि जो आगामी त्यौहार का पर्व है इसको लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी के सब साथ में संवाद स्थापित हो। सर, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनमानस को यही संदेश है कि जो आगामी त्यौहार हैं वो बड़ी ही खुशहाली के साथ में बने और शांति व्यवस्था कायम हो।